हेलो दोस्तों, राम राम। अभी टाइम हो चुका है शाम के 4:15 और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 4:15 बजे से। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे ना संडे से लाइट नहीं है, संडे शाम से लाइट नहीं है। अभी भी लाइट नहीं आई है। अभी भी मैंने अपना फ़ोन अपने पड़ोसियों के यहाँ से चार्ज कराया। आज 3 दिन के बाद इतनी अच्छी खिली खिली सी धूप निकली है, तो मैंने डाल दिए सारे कपड़े सूखने के लिए। ये भी मैंने संडे के धुले हुए थे, बट मैंने स्पिन तो कर लिए थे मशीन में, बट अभी भी थोड़े सीले सीले से थे, तो मैंने डाल दिए हैं बाहर सूखने के लिए। इनको अच्छी सी धूप लग जाएगी। आज 2 दिन से लाइट ना होने के कारण पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। गाइस, आप मेरे किचन की हालत देख सकते हो। पानी ना होने की वजह से किचन भी कितना गंद मचा हुआ है। इतने ज्यादा बर्तन है धोने के लिए। ओ माय गॉड, जो मैंने कपड़े डाले थे वो मैं उठा लेती हूँ बाहर से। लाइट अभी तक भी नहीं आई है। 6:30 का टाइम हो चुका है। पता नहीं यार कब तक आएगी। गए जो मैंने बाहर कपड़े डाले थे वो मैं उठा के ले आई हूँ। अब मैं इनको तय कर लेती हूँ क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा टाइम पास करने के लिए। तो मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, बाकी देखते हैं लाइट कब तक आती है। वैसे बोल तो रहे हैं कि रिपेयरिंग का काम चला हुआ है, जल्दी ही आ जाएंगी। चलो लेट्स वेट। वेट करने के अलावा और कर भी कह सकते हैं। जैसे ही लाइट आती है उसके बाद हम जल्दी से काम कर लेंगे अपना। गाइस, लाइट आ गई है पूरे 48 आवर्स के बाद। चलिए अब पानी भी जल्दी से आ जाएगा और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से काम। तो गाइस, अभी टाइम हो गया है 10:15 और मैंने सारे बर्तन धो लिए थे क्योंकि लाइट जब आई थी तो उसके बाद फिर से चली गई। अभी आई है 9:30 बजे, तो 10:15 हो रहे हैं अभी, तो बर्तन सारे धुल रहे हैं। और मैंने आज ना खिचड़ी भी बनाई थी क्योंकि अभी इतने ही टाइम में यही बन सकती थी। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद अब मैंने बर्तन रख दिए, ये मैं अब धोऊंगी सुबह, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। खाने 11 हो गए हैं और मैंने ना सुबह के लिए राजमा भी धो दिए हैं। सुबह बनाऊंगी मैं राजमा। अभी चलती हूँ सोने के लिए, काफ़ी लेट हो गया है। चलिए अभी के लिए गुड नाइट, मिलती हूँ आपसे कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम सभी को। आज है बुधवार, सुबह के बज चुके हैं 8 और मेरा ब्रेकफास्ट और लंच रेडी हो गया है। और जी, मैंने हस्बैंड जी का टिफिन कर दिया पैक क्योंकि उन्हें जाना है आज जल्दी, तो उनको दे देते हैं। वो बस नहा के आ जाए तो वो रेडी हो जाएंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा कमरे की सफाई, उसके बाद मैं भी नहाती हूँ और रेडी होती हूँ ऑफिस के लिए। फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ ऑफिस के लिए रेडी। चलो अब चलते हैं ऑफिस, मिलती हूँ आपको शाम। दोस्तों, मैं आ गई हूँ कंपनी से वापस, और आते ही आपको पता है मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ। यूजुअली मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। आज ना मैं पुदीने वाली चाय बनाऊंगी क्योंकि आज मेरा और पतिदेव हमारे दोनों का ही गला खराब है, तो पुदीने वाली चाय जो होती है वो गले खराब आराम देती है। तो मैं बना पुदीने की पत्तियाँ मैंने तोड़ ली है, तो बना लेते हैं पुदीने वाली ली थी। और मैं भी इसको ऐसे थोड़ा सा तोड़ के डाल देती हूँ चाय में, तो इसके साथ ये थोड़ी बॉयल हो जाएंगी और हमारी चाय बन के रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये मैंने ना 2 कोरियर मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, तो ये हमारे पार्सल्स आ गए हैं। तो चलिए अब इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। ये ना मैंने टीथ वाइटनिंग फोम मंगवाई है। ये देखें तो मतलब ये एक जैसे माउथ फ्रेशनर होता है ना, जस्ट लाइक वैसे है। मतलब एक ये लिक्विड फॉर्म में ही है, बस इसको गैगल्स करके इससे जो है आपके दांत अगर थोड़े बहुत काले हो जाते हैं कई बार आजकल ना हमारे, तो उसको वाइट करने में। वैसे इसकी MRP ना फ्रेंड्स 600 रुपये है, 599, बट ना ये मुझे ऑफ में मिला है 232 का। और दूसरा जो पार्सल था उसमें मैंने ना हालो का शैम्पू मंगवाया है। ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है। ये ना 1 लीटर की पैकिंग आती है, इसी में ही शैम्पू भी है और कंडीशनर भी है। ये मैंने ना इसको मैं पर्सनली पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। मतलब बरसात के दिनों में इसका यूज़ करना बहुत ही सही होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में ऐसा होता है ना हमारे हेयर फॉल ज़्यादा होता है, तो उसको ये रिड्यूस करता है हेयर फॉल को ना, इससे हेयर फॉल नहीं करता। मैंने मैंने लास्ट ईयर भी इसको यूज़ किया था, ये मुझे रिकमेंड करा था मेरी एक फ्रेंड ने, तो
उसी के रिकमेंडेशन से ही मैंने यूज़ करा था। फिर मैंने लास्ट ईयर मंगाया था, फिर मेरा ना ये ख़त्म हो गया था आई थिंक नवंबर दिसंबर में। उसके बाद फिर मैंने कोई और शैम्पू डेली जो होते हैं हमारे केमिकल्स वाले वो यूज़ करे थे, फिर अभी मैंने ये मंगवाया। और ये ना इसकी MRP है 329, तो ये मुझे पूरा 300 में ही मिला है, इसमें मेरे को ज़्यादा ऑफ नहीं मिला। बट सीरियसली मैं कहूँ तो ये शैम्पू जो है ना ये बरसात के दिनों में यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, हेयर फॉल नहीं होती है, मतलब ज़ीरो हेयर फॉल। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि मेरे को तो इससे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुई थी। अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हेलो, ये बॉटल थोड़ी सी पिचकी हुई है, बट एनीवेज ये कई बार हो जाता है क्योंकि पार्सल्स जो आते हैं तो कई बार हो जाता है लाने में भी, तो नथिंग वरी टू दैट। बट या दिस वाज अमेजिंग प्रोडक्ट। गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, गुड नाइट। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।